नमस्कार, दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको आज बता दें, मानसून ने उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली समेत कई राज्यों में दस्तक आज 30 जून को दे दी है। अगर हम मुख्य रूप से अगर हम बात करें इनसे 3DR की सैटेलाइट की इमेजरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बादलों का एक घना समूह आपको अभी उत्तर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा होगा, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगहों पे एक विस्तृत रूप से बादल के समूह दिख रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई भाग भी आपको इसमें देख रहे हैं। मध्य भारत की भी बात करें, ये देखिए मध्य भारत में भी एक एक विशाल क्लाउड का समूह, जो एक तरह से बादलों का समूह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि ईस्ट वेस्ट ट्रफ, अगर हम ईस्ट वेस्ट ट्रफ देखिए पंजाब से आरंभ होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ तक जा रहा है एक तरह से मध्य प्रदेश के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक यहाँ पे एक तरह से एक ट्रफ रेखा, ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा दिख रही है। अब इससे क्या होगा, इससे मुख्य रूप से आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ से जो नमी है, ये नमी अब उत्तर भारत को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक ऑफशोर ट्रफ, जिसको हम बात करते हैं, जो पश्चिमी भारत के तटों में, तटों के पास यहाँ पे स्थित है, जो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम बात करें साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो अब अरब सागर में आपको एक देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो आज 30 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ हिस्से, पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और चंडीगढ़ में आगे बढ़ चुका है। आज सवेरे से जैसे कि हमने देखा है दिल्ली में कई जगहों पे भारी बारिश देखी गई है, अभी भी रुक रुक के वर्षा जारी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पूरे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने की जो स्थिति है, अभी अनुकूल देखी जा रही है। देखेंगे अगर हम इनसेट सैटेलाइट में अगर हम देखें, देखिए ये देखिए बादल, अगर आप देखें ये पूरा तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ये वाले भाग, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आप देखेंगे, और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अब पूरा एक बादलों का समूह अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी पश्चिमी तटों पे भी एक सघन बादलों का समूह यहाँ पे उपस्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो स्थिति हम बताएं, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून आज की अगर हम देखें 30 जून की, अब आप देखेंगे ये देखिए 24 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट से आरंभ होता हुआ ये दीसर, रतलाम और राजस्थान के जयपुर, रोहतक, पठानकोट और जम्मू तक ये अभी पहुंच चुका है। ये देखिए ये वाले भाग अगर आप देखेंगे ये जम्मू तक यहाँ पे पहुंच गया, और आने वाले 24 घंटों में ये मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आगे बढ़ने की संभावना अनुकूल देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की वर्षा की अगर हम GIS मैप में देखें, ये देखिए GIS मैप में देखें नीले रंगों से पश्चिमी पूरा तट जो नीले, और कुछ कुछ जगहों में अगर हम कर्नाटका की बात करें पीले और नारंगी रंगों से दिखाया गया है। मुख्य रूप से यहाँ अत्यंत भारी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर आप देखेंगे, ये देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वाले जो भाग है सिक्किम के, जो एक तरह से बात करेंगे बिहार के जो उत्तरी भाग और ये वाले भाग में नारंगी और पीले रंगों से दिखाया गया अत्यंत भारी वर्षा आप देख सकते हैं। असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड और साथ ही साथ गुजरात के रीजन में भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन जगहों पर भी अच्छी खासी वर्षा, भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई है। अगर हम देखें गुजरात रीजन में, जैसे हम बात करें नर्मदा में 6 सेंटीमीटर, कोस्टल कर्नाटका, ईस्ट मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया। छत्तीसगढ़ के अगर हम जांजगीर की बात करें 11 सेंटीमीटर, चांपा में 7 सेंटीमीटर भारी वर्षा दर्ज हुई है। साथ ही साथ उड़ीसा के अगर कोरापुट की बात करें 8 सेंटीमीटर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं अगर हम बात करें बाबाई में 7 सेंटीमीटर, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग 7 सेंटीमीटर, ये सारे भारी वर्षा को इंगित करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है पंजाब से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के जो निचले वायुमंडल में स्थित है, जो नमी है, जो मॉइस्ट विंड्स है, जो हवाएं हैं, अब वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे। अगर हम मुख्य रूप से बात करें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख और 1 जुलाई को देखने को मिल सकता है। और ये जो वाइड स्प्रेड रेनफॉल की जो जो वर्षा की जो संभावना है, ये उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। भारी वर्षा अगर हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर में 30 जून आज, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में 30 आज और कल 1 जुलाई को, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 30 से लेकर 2 जुलाई तक, मैंने आज से लेकर 2 जुलाई तक। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें 30 तारीख से लेकर करीब करीब जून, 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। और उत्तराखंड में भी 5 दिनों के दौरान ये आइसोलेटेड भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें आज भारी से भारी वर्षा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
अगर हम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करें, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर हम आइसोलेटेड रेनफॉल की बात करें पूर्वी राज्यों के लिए, तो झारखंड में 30 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक देखने को मिल सकता है, बिहार में 30 जून से लेकर यानी आज से 2 जुलाई तक, गैंगटिक वेस्ट बंगाल में आज, उड़ीसा में आने वाले 5 दिनों के दौरान, और भारी वर्षा उड़ीसा में लगभग 4 जुलाई के दौरान देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि हमने ऑफशोर ट्रफ के बारे में आपको बताया जो गुजरात कोस्ट से लेकर उत्तरी कर्नाटका के कोस्ट तक जो उपस्थित है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधि कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरल, माहे में भी आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटका भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। गुजरात भाग में 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, मध्य महाराष्ट्र में 30 जून, तटीय आंध्र प्रदेश में 30 जून, और अगर हम बात करेंगे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल कोंकण, गोवा में 30 से 2 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप। अगर हम बात करें, ये देखिए, ये ऑरेंज अलर्ट अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में है, पश्चिमी राजस्थान, माफ कीजिएगा, पूर्वी राजस्थान, इन जगहों में देखने को मिल रहा है। ये स्थिति देखेंगे उत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग सारी गतिविधि 1 तारीख को भी यथावत रह रही है। 2 तारीख को भी आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये स्थिति थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ट इवेंट की यहाँ पे देखने को मिलेगी। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।